क्या आप भी अपने डॉग को दही खिलाते हैं? गर्मियों के दिन है, गर्मियों में अक्सर लोग अपने डॉग को दही खिलाते हैं, लेकिन बहुत बार पेट ओनर्स नहीं जानते हैं कि उनके डॉग्स के लिए दही नुकसानदेह है, फायदेमंद है, या अगर नुकसान फायदेमंद है तो कितना फायदेमंद है, और किन परिस्थितियों में दही आपके डॉग के लिए नुकसानदेह हो सकता है। तो इस वीडियो में हम लोग वही स्वागत है आप सबों का हमारे YouTube चैनल पेट्स प्लेटफॉर्म में। जैसा कि आपको पता है, यह चैनल डेडिकेटेड है आपके पेट्स के केयर, क्योर, मैनेजमेंट, ट्रीटमेंट और उन संबंधित सारी जानकारियों आप तक पहुंचाने के लिए। तो आज के इस एपिसोड में हम लोग देखेंगे दही आपके लिए डॉग के लिए कितना सही। तो गर्मियों के दिन है, इसमें अक्सर हम लोग अपने डॉग्स को कर्ड देते हैं, दही खिलाते हैं, या कर्ड राइस भी बहुत लोग जो है अपने डॉग्स को देते हैं, चावल में दही मिला करके गर्मियों में अपने डॉग्स को देते हैं। लेकिन ये देने से पहले आपको कुछ बातें जाननी चाहिए कि दही आपके डॉग के लिए कितना है सही। सबसे पहले देखते हैं दही बनता कैसे है। तो सामान्य हर घर में दही बनता ही है, और दही बनाने का सामान्य सा विधि है कि दूध है उसमें थोड़ा सा जो है दही पहले से डालते हैं, स्टार्टर जिसको बोलते हैं, और उसके बाद जो है दही बनता है। जबकि बहुत से डॉग्स को दूध या दूध के बहुत से प्रोडक्ट्स जो है लैक्टोज इंटॉलरेंस के कारण जो है नहीं पचा पाते हैं, डाइजेशन उनमें नहीं हो पाता है, लेकिन दही को बोला जाता है काफी डाइजेस्टिबल है और होता भी है। ऐसा क्यों होता है? जो लैक्टोज होता है, जिसको मिल्क शुगर भी कहते हैं, वो जब भी दही बनने की प्रक्रिया होती है तो उसमें कुछ एक बैक्टीरिया होते हैं लैक्टोबैसिलस, उनके कारण जो है उस लैक्टोज का जो मिल्क शुगर है उसका फर्मेंटेशन हो जाता है लैक्टिक एसिड में, मतलब लैक्टोज कन्वर्ट होकर लैक्टिक एसिड बन जाता है, और ये लैक्टिक एसिड फिर जो है डाइजेस्टिबिलिटी में उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है, आराम से आपके डॉग्स उसको पचा पाते हैं। तो इस तरह हम देखते हैं कि जहां दूध एक तरफ डॉग्स के लिए बहुत बार इंडाइजेशन कॉज करता है, नहीं पचा पाते हैं आपके डॉग्स, वहीं दही जो है इजिली डाइजेस्ट वो कर लेते हैं। दही के क्या बेनिफिशियल इफेक्ट्स हो सकते हैं? तो जैसा हमने अपने एक पुराने वीडियो में देखा है प्रोबायोटिक्स के बारे में, या जैसा कि आपको पता है कि कर्ड जो है एक नेचुरल प्रोबायोटिक है। प्रोबायोटिक मतलब वैसे फ्रेंडली, वैसे बैक्टीरिया का समूह को कहते हैं प्रोबायोटिक्स, जो फ्रेंडली बैक्टीरिया है आपके डॉग्स के लिए या हमारे बॉडी के लिए जो है वो फ्रेंडली है। वो भी बीमारी कॉज नहीं करते, बल्कि आपके पेट्स को या आपको हेल्दी रखने में हेल्प करते हैं। तो वैसे बैक्टीरिया को के ग्रुप को प्रोबायोटिक्स कहते हैं। तो दही भी एक नेचुरल उसमें प्रोबायोटिक्स है, बहुत सारा उसमें बैक्टीरिया है जो हेल्पफुल बैक्टीरिया है, फ्रेंडली बैक्टीरिया है। तो इसलिए ये बैक्टीरिया जो है जो प्रोबायोटिक्स के तौर पर काम करता है, इसलिए दही जो है आपके पेट्स का, डॉग्स का डाइजेशन बढ़ाता है, उनके डाइजेस्टिव सिस्टम को मजबूत बनाता है और रोबस्ट करता है उनको। उसी तरह बहुत सारा डाइजेस्टिव एंजाइम्स है, उसके भी प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करता है और उनके प्रोडक्शन को बढ़ाता है दही। दही का डाइजेशन जो है पॉसिबल होता है, और उसमें जो है काफी जो बॉडी जनरली जो खाना पचाने में बॉडी हीट होता है या हीट डिसिपेट करता है वो दही में नहीं होता है, मतलब दही का खाने का एक कूलिंग फूड के तौर पर भी इसको ले सकते हैं गर्मियों में। उसके बाद कैल्शियम और फॉस्फोरस में रिच होता है दही, इस प्रकार ये आपके डॉग्स के बोन और टीथ के प्रॉपर ग्रोथ डेवलपमेंट के लिए जो है काफी हेल्पफुल है। उसके साथ साथ आप जानते हैं कि दही का कुछ एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल भी प्रॉपर्टी होता है, जिसके कारण बहुत बार जब आपके डॉग्स को स्किन प्रॉब्लम्स होता है तो वहां पर भी दही लगाने से, दही अप्लाई करने से उनको जो इचिंग होती है या जो खुजली होती है डॉग्स को, वहां पर भी उनको टेम्पररी कुछ रिलीफ मिलता है। या जो पैरासिटिक इन्फेस्टेशन है जिसमें मेंज है मेनली, जो माइट्स के कारण होता है, वहां पर भी जो इचिंग है वहां अगर दही अप्लाई करते हैं तो उससे भी उसमें सुधार होता है और कुछ आराम मिलता है आपके डॉग्स को। लेकिन इतना बेनिफिशियल इफेक्ट्स होने के बाद भी आपको कुछ सावधानियां बरतनी है दही खिलाने में। सबसे पहले कि बहुत ज्यादा दही अपने डॉग्स को नहीं खिलाना, क्योंकि बहुत ज्यादा दही खिलाने से भी उनका डाइजेशन खराब हो सकता है और लूज स्टूल की समस्या हो सकती है, उनका पेट खराब हो सकता है। कर्ड को हमेशा वाटर के साथ मिक्स करके देने का आदत लगाना चाहिए अपने डॉग्स को, वो ज्यादा हेल्दी है और डाइजेस्टिबिलिटी उसमें और ज्यादा बढ़ती है। हाई फैट वाला जो दही है वो दही खिलाने से बचना चाहिए आपको, मतलब दही जो भी बनाए उसमें बहुत ज्यादा फैट परसेंटेज, फैट कंटेंट नहीं हो दूध में, वैसे दूध का ही दही बनाए।
या अगर जिसमें फैट ज्यादा है तो ऊपर से जो है फैट का लेयर जो रहता है दही के ऊपर उसको हटाकर फिर अपने डॉग्स को ही खिलाएं। और केवल दही पूरा रूप से आपके डॉग्स के लिए हेल्दी नहीं हो सकता है, मतलब दही को आप एक सप्लीमेंट के तौर पर यूज कर सकते हैं, जो मेन कोर्स है उसका फूड का उसमें मिला करके दे सकते हैं। केवल दही खिला के आप डॉग्स को नहीं पाल सकते हैं। फिर पपीज को भी आप दही दे सकते हैं, उनके लिए भी हेल्पफुल है, लेकिन वहां भी कुछ सावधानियां हैं, जैसे कि ठंडे के दिनों में देने से बचना है, उस समय नहीं देना है। गर्मियों के दिन में आप उसका पॉप्सिकल बना के भी दे सकते हैं, जैसे बर्फ जो देते हैं उसमें थोड़ा सा दही का भी मिला करके उनको पपीज को खिला सकते हैं, या इसका फिर छाछ वगैरह बना करके भी अपने डॉग्स को आप गर्मियों में दे सकते हैं, या वेजिटेबल प्यूरी बनाते हैं उन वेजिटेबल प्यूरी में भी दही को मिला सकते हैं, या दही चावल भी दे करके एक टाइम आप उनको जो है खिला सकते हैं। उसके अलावा जो है एक और बहुत अच्छा होम रेमेडी होम फूड आप बना सकते हैं अपने डॉग्स के लिए या पपीज के लिए, जिसमें दही है और स्वीट पोटैटो को बॉयल करके उसको स्मैश करके दही पानी वाटर और स्वीट पोटैटो का जो बॉयल्ड स्वीट पोटैटो है उसका स्मैश करके उसको भी अपने डॉग्स को आप या पपीज को खिला सकते हैं, ये बढ़िया है। तो इस तरह हम लोग देखते हैं कि दही आपके डॉग्स के लिए बहुत सही है, लेकिन कुछ कुछ सावधानियां उसमें भी बरतनी है। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।